बहुत ही कॉमन हो गया है आए दिन देखना ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अक्यूज्ड को अरेस्ट करते हुए, और उससे भी ज्यादा कॉमन हो गया है ईडी द्वारा एक स्ट्रिक्ट एक्शन अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ उठाना देखना। जैसा कि हमने दिल्ली में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और कर्नाटका में डिप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ देखा नहीं है। कहने को तो पीएम नरेंद्र मोदी और यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि सीबीआई और ईडी उनके अंडर नहीं आते हैं और खुद से ही मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में एक एक्शन लेते हैं, पर लोगों को ये बात हजम नहीं होती है जब वे ईडी के रेडार पर सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को देखते हैं। इसी रेडार पर अब फॉर्मर तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी दिखे हैं, जो खुद ईडी द्वारा एक मनी लॉन्ड्रिंग में इस तरह से उलझे हुए हैं कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और इसी बीच उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो रही है, जिसके बावजूद भी उन्हें बेल नहीं मिल रही। आपको बता दें कि सेंथिल बालाजी को भी जेल में बंद रहते हुए एक साल से ऊपर हो गया है, और ऐसे में जब मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी बेल प्री रिजेक्ट कर दी तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं और जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच के सामने अपना केस रखा है। वहीं ईडी की ओर से मौजूद होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जोहेब हुसैन इस बेल पिटीशन के खिलाफ दिखे हैं, और इतने हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस देखने को मिले हैं जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी को ग्रिल करना शुरू किया है। क्या है ये पूरा मामला, हम आगे देखेंगे। तो 22 जुलाई की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बालाजी की ओर से मौजूद होते हुए कहा था कि कैसे इस मामले में एक चार्जशीट ईडी द्वारा फाइल होने के बावजूद भी अभी तक इस केस में ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। ही स्टेटेड, द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड बाय द प्रेडिकेट एजेंसी एंड द ईडी, बट द ट्रायल हैज नॉट कमेंस्ड। माय हेल्थ इज आल्सो फ्रजाइल। आई अंडरवेंट अ कोरोनरी बाईपास सर्जरी, प्लीज कंसिडर इट। मामला और इंटेंस हो गया जब सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कह दिया कि ईडी ने बहुत लेट जाकर बालाजी के खिलाफ एविडेंस डिस्क्लोज किया है और उसमें भी उनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, एंड स्टेटेड देयर इज अ सी गेट हार्ड डिस्क प्रोड्यूस्ड बाय द एजेंसी व्हिच वाज नॉट मेंशनड अर्लियर। व्हाट वाज रिकवर्ड वाज एन एचपी हार्ड डिस्क। इट डज नॉट कंटेन फाइल्स ऑफ अलेज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मेंशनड बाय द ईडी इन देयर कंप्लेंट। और जब ये मामला वापस से 24 जुलाई को उठा तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी की ओर से मौजूद एसजी और एडवोकेट जोहेब हुसैन को काफी ग्रिल किया है और उनसे एविडेंस से जुड़ी पूछताछ की है। सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने बालाजी की ओर से मौजूद होते हुए कहा है कि एक तो पता नहीं ईडी ने कौन सा एविडेंस अब जाकर डिस्क्लोज किया है और न ही उनके खिलाफ कोई एविडेंस ईडी के पास है भी। हालांकि इस पॉइंट पर एसजी ने सीनियर एडवोकेट रोहतगी को फटकारते हुए कहा है कि उनके सबमिशंस फॉल्स है, एंड दैट बाय लिमिटिंग हिज सबमिशंस टू टू पॉइंट्स लर्नेड फ्रेंड हैज कर्टेल्ड माय आर्ग्यूमेंट्स। इट्स इजी टू सिंप्लीफाई व्हेन ही इज नॉट लाइकली टू गेट बेल। हालांकि ये सुनने के बाद जस्टिस अभय एस ओक ने ग्रिल करना शुरू किया है ईडी को और सबसे पहले सवाल किया है कि टेल अस इन व्हिच इक्विपमेंट द फाइल दैट शोज ₹67 करोड़ ट्रांजेक्शन वॉज फाउंड, वेयर डू यू फाइंड दैट सॉफ्ट फाइल इन द सीज्ड मटेरियल। जिसका जवाब देते हुए एडवोकेट जोहेब हुसैन ने स्टेट किया, इट वॉज पार्ट ऑफ द सीज्ड मटेरियल बाय द प्रेडिकेट एजेंसी। हालांकि जस्टिस ओक ने वापस से सवाल करते हुए पूछा विच डिवाइस वॉज इट, जिसके जवाब में फाइनली एडवोकेट हुसैन ने कहा कि दिस इज अ पेन ड्राइव फाउंड इन द रेसिडेंस ऑफ द पिटिशनर। ये सुनने के बाद जस्टिस ओक ने दूसरा सवाल करते हुए पूछा प्लीज शो अस द अवर्मेंट इन द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दैट दिस फाइल इज देयर इन अ पर्टिकुलर सीज्ड इक्विपमेंट। जिसके जवाब में एडवोकेट हुसैन ने कहा कि वी अप्लाई टू द कोर्ट एंड गॉट दिस मटेरियल व्हिच वाज इन द कस्टडी ऑफ द पीएमएलए कोर्ट। हालांकि जस्टिस अभय एस ओक यहां काफी परेशान दिखे हैं और मजबूर हो गए हैं कहने पर कि सिंपल क्वेश्चन वी आर आस्किंग रिपीटेडली इन विच डिवाइस द सॉफ्ट फाइल वॉज फाउंड, वी आर अवेयर दैट द एफएसएल रिपोर्ट रिफर्स टू दैट। जब एडवोकेट हुसैन ने कहा कि इस केस में एक एचबी पेन ड्राइव आइटम 5 के रूप में मार्क्ड है, तो जस्टिस ओक ने सवाल किया कि बालाजी ने तो अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा है कि इस पेन ड्राइव में कोई एविडेंस नहीं है। जिसके जवाब में एडवोकेट हुसैन ने समझाया कि बालाजी का आर्ग्यूमेंट एफएसएल रिपोर्ट पर बेस्ड है। ये सुनकर जस्टिस अभय एस ओक ईडी को समझाने पर मजबूर हो गए कि यू हैव टू शो अस दैट द पेन ड्राइव मार्क्ड एज नंबर 5 वाज द सेम दैट वाज सेंट टू एफएसएल एंड सीएएससी फाइल वाज फाउंड इन इट। But I know for say evidence you have to show that this file on which you are relying upon, which will implicate him straight away, whether that was found in the pen drive. यहाँ पर जस्टिस अभय एस ओक ने ये भी एड किया कि इस मामले में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, एंड दैट यू आर नॉट एक्सपर्ट्स एंड वी आर नॉट एक्सपर्ट्स। What are the files expert bodies such as FSL will tell us, so show us that if you're not ready we will hear you tomorrow. और यही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एड करते हुए कहा है कि that's all I am requesting, we have not understood the question.
तुषार मेहता ने आगे ऐड भी किया कि वे और एडवोकेट हुसैन कोर्ट में उस वक्त मौजूद नहीं थे जब सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने ये सबमिशंस दिए थे, इसलिए उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इस पॉइंट पर जस्टिस ओका एक्नॉलेज दैट मिस्टर हुसैन इज हाईली स्किल्ड इन पीएमएलए केसेस एंड वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन इफेक्टिवली। लेकिन इस पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी टिप्पणी देते हुए कह दिया कि हुसैन परफॉर्मड एक्सीलेंटली इन अ सिविल केस एंड एडवाइज्ड हिम टू टेक ऑन मोर सिविल केसेस टू अवॉइड बीइंग सोली आइडेंटिफाइड एज एन ईडी लॉयर। इसी के साथ अब ये मामला अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दिया जा चुका है, तो देखते हैं कि क्या बालाजी को कोई रिलीफ जल्दी मिलती है या नहीं। अब जब इतनी बात हुई है तो एक नज़र मद्रास हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पर भी डाल लेते हैं जिसको ही चैलेंज करते हुए सेंथिल बालाजी सुप्रीम कोर्ट आ पहुँचे हैं। जब बेल की मांग करते हुए बालाजी मद्रास हाईकोर्ट पहुँचे थे तो उनका मेन पॉइंट ये था कि वे अब तक जेल में कैसे बंद है जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सारी जाँच कर ली है। हालांकि इस केस की हियरिंग में एक शॉकिंग ट्विस्ट आ गया था जब उल्टा मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन आनंद वेंकटेश जिनके सामने ये मामला पहुँचा हुआ है ने सवाल कर दिया कि भला अब तक वी सेंथिल बालाजी एक मिनिस्टर कैसे हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने जेल में करीबन 200 दिन से भी ज्यादा बिता दिए हैं। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने यहाँ गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को फेवर करने वाले प्रैक्टिस पर रोशनी डालते हुए कहा था कि इट डजंट ऑगर वेल बिकॉज इवन इफ अ पर्सन इन द लोएस्ट रंग ऑफ द गवर्नमेंट इज बिहाइंड बार्स फॉर जस्ट 48 आवर्स ही इज इमीडिएटली रिमूव्ड और सस्पेंडेड फ्रॉम हिज पोस्ट बट अ मिनिस्टर हियर कंटिन्यूज बीइंग इन ऑफिस आफ्टर हैविंग बीन इन जेल फॉर मोर देन 200 डेज। और फिर क्या था, इस हियरिंग के कुछ समय बाद ही सेंथिल बालाजी को रेजिग्नेशन देना पड़ गया था। आपको लगेगा कि सेंथिल बालाजी की मुश्किलें शायद रेजिग्नेशन देने के बाद सुधर सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उनको एक्स्ट्रा शॉक देते हुए जस्टिस वेंकटेश ने उनके द्वारा सबमिटेड बेल पिटीशन को ही डिसमिस कर दिया था। और तो और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ये सेकंड ऐसा मौका था जब उन्होंने वी सेंथिल बालाजी की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया था। जस्टिस वेंकटेश ने इस बेल के डिसमिसल के पीछे का कारण ये दिया था कि भले ही सेंथिल बालाजी ने रेजिग्नेशन दे दिया है पर ये बात भुलाई नहीं जा सकती है कि वे अब तक ही मिनिस्टर की पोस्ट पर मौजूद थे। और तो और जस्टिस आनंद वेंकटेश ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि इवन इफ द पिटिशनर हैड रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज अ मिनिस्टर ही कंटिन्यूज एज अ एमएलए बिलोंगिंग टू द सेम पार्टी व्हिच इज रनिंग द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड देयरफॉर विदाउट एनी हेजिटेशन दिस कोर्ट होल्ड्स दैट द पिटिशनर कंटिन्यूज टू वील्ड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट। और तो और अगर उन्हें बेल मिलेगी तो वो सोसाइटी में एक गलत इम्पैक्ट डालेगा और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ भी होगा। आपको बता दें कि इसी के साथ जस्टिस आनंद वेंकटेश ने बेल से ज्यादा चेन्नई स्पेशल कोर्ट द्वारा इस मामले में एक जल्दी फैसला लेने को कहा है और कहा है कि इस मामले में अब 3 महीने की डेडलाइन भी फिक्स हो चुकी है। आपको ऐसे बता दें कि सेंथिल बालाजी की अरेस्ट की कहानी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है जो थोड़ी पुरानी है। असल में AIADMK गवर्नमेंट के तहत बालाजी तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2011 से 15 तक हुआ करते थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही वाज अक्यूज्ड ऑफ इररेगुलरिटीज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ बस कंडक्टर्स इन द तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एज वेल एज द अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राइवर्स एंड जूनियर इंजीनियर्स। जॉब्स के बदले पैसे लेने के इल्जाम में ही इस मामले की जांच ईडी कर रही है। तो इन्हीं सब के साथ अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनली सेंथिल बालाजी को एक रिलीफ दे सकती है या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। एंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।